आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप में से बहुत चेहरे में पहचानती हूँ। बुग्गी जी बैठे हैं उस समय, लेकिन आप कांग्रेस में नहीं थे शायद। आ गए उसके बाद, वापस आ गए उसके बाद। बहुत चेहरे में पहचान रही हूँ आपको। याद है किन परिस्थितियों में हमने वो चुनाव लड़ा। मैं आई, आज मेरा बेटा 24 साल का है, उस समय मैं शायद 28 साल की थी। उसको देखती हूँ और कभी कभी यकीन नहीं आता कि उसी की लगभग उसी की उम्र में मैं पहला चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पहुंची। उस समय कैप्टन शर्मा सांसद थे, उन्होंने मुझे कहा, ये लो प्रियंका, मैं तुम्हें एक हीरा दे रहा हूँ। और उनके साथ किशोरीलाल शर्मा खड़े थे, उन्होंने मुझे ये शब्द कहे, याद रखना ये आदमी वफादार रहेगा, और याद रखना जैसे ये काम करके दिखाएगा तुम्हें बहुत कम लोग मिलेंगे। किशोरी भैया ने और मैंने किन परिस्थितियों में वो चुनाव लड़ा आप सब जानते हैं, मेरे ख्याल से जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय। यहाँ कोई संगठन के नाम की चीज ही नहीं थी। बहुत साल हो गए थे पिताजी के समय से, लोग थे, कार्यकर्ता थे जो उनसे लगाव, जिनका लगाव था पिताजी के साथ, जिन्होंने काम किया था उनके साथ, लेकिन संगठन नहीं बना था। रात रात को हम संगठन बनाते थे, ब्लॉक की कमेटियां, ब्लॉक के अध्यक्ष चुनते थे, साथ में बैठकर सबसे पूछ के कि किसको अध्यक्ष बनना चाहिए, और दिन में हम दौरा करते थे, पूरा दिन काम करते थे, पूरी रात काम करते थे। उस समय मशीनें नहीं थी, ये बात होती थी कि कोई बक्से चुरा लेगा, वो सब इंतजाम करना था। बड़ा चुनाव था, सम्मान की बात थी, लेकिन हम पूरी जीत जान से लड़े। और आज भी जो हमारे साथ वो लड़ाई लड़े, जो यहाँ पे मेरे साथी बैठे हुए हैं, आपको याद होगा कि भीषण परिस्थितियों में लड़े, 3 लाख वोटों से जिता के लाए सोनिया जी को, रात रात तक काम किया, आंसू बहाए, कभी कभी हंसे, पीछे नहीं हटे काम करने से, एक सेना बनकर एक साथ लड़े, और तब से एक नया सिलसिला हमने कायम किया है।